तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी नज़ारा, पहाड़ियों के जरिए बेहतरीन नहरें और झीलें और ये डैम, इस डैम का नाम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं अंजनडोल तालाब के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा सा तालाब बुरहानपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम जसोंदी से कुछ दूर जो जाफरपुर गांव के करीब मौजूद है अंजनडोल तालाब, एक बड़ा सा तालाब है दोस्तों। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हो जो नदी बह रही है उसी डैम के बदौलत, उसी डैम के निकासी का पानी है ये और ये नदी उसी डैम से निकलती है। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम आपको अंजनडोल तालाब पर लेके जाएंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मौजूद हैं, उस तालाब के अंदर पलती हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंजनडोल तालाब का पूरा नज़ारा। तो ठीक देख सकते हैं आप, ठीक हमारे पीछे मौजूद है अंजनडोल तालाब, हम पहुंच चुके हैं अंजनडोल तालाब के ऊपर। पर ये रहा अंजनडोल तालाब, एक खेतों की सिंचाई के लिए इसे बनाया गया है दोस्तों। जिस तरह के से खेतों में सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो इस तालाब का निर्माण इसीलिए किया गया है ताकि बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर से जो आता है वो इस डैम के अंदर एकत्रित हो जाए और ठीक इसके बाद जब फसल सिंचाई पर आती है तो इस डैम के अंदर से, इस दरवाजे के अंदर से पानी छोड़ा जाता है और वो नहर के माध्यम से पानी खेतों तक जाता है और किसान अपनी सिंचाई कर पाते हैं और अपनी फसल को बरकरार रखकर अपनी फसल का बेहतर मुनाफा ले पाते हैं। प्यारे दोस्तों देख सकते हैं आप, ये नहर का गेट है, यहाँ से इसकी चाबी लगती है और इस चाबी को घुमाया जाता है और फिर चाबी को घुमाने के बाद ठीक इसी गड्ढे में से इसकी जो खिड़की होती है वो ऊपर उड़ जाती है और यहाँ का दरवाजा जैसे ही खुलता है वैसे नहर में से लदलद बदबद पानी आगे बहता हुआ जाता है और सिंचाई के लिए खेतों में पहुँच जाता है और उसी पानी से किसान अपनी सिंचाई कर अपनी फसल को बेहतर बनाते हैं। फाइनली कह रहे दोस्तों, इस वीडियो में आपने झापरपुर का ये अंजनडोल तालाब देखा दोस्तों। अंजनडोल तालाब के बाद हम आपको अंजनडोल तालाब की ये निकासी बता रहे हैं दोस्तों। हर तालाब की निकासी होती है, निकासी का होना ज़रूरी है, अगर निकासी ना हो तो डैम के ऊपर से पानी बहेगा और जाहिर सी बात है कि ऊपर से पानी बहेगा तो डैम टूट जाएगा और इसीलिए निकासी बनाना बेहद ज़रूरी होता है। तो ठीक, ये निकासी झापरपुर डैम की है और आज भी अक्टूबर का महीना होने के बावजूद इस निकासी में से बेहद ज़्यादा पानी बह रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों आप, इसके अंदर में कितना पानी बह रहा है आप आपके नज़रों से देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा तालाब है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर सनलाइट सूरज के डूबने से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और ठीक ये रही आपके सामने ये यहाँ के इस डैम की निकासी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में झलझल पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये यहाँ की रही निकासी। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल से इतना ही, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।